बात करेंगे BS4 बजाज पल्सर और BS4 की होंडा CB10 SP के बारे में। इन दोनों गाड़ी में हमें कीमत और EMI में कितना अंतर देखने को मिलता है, सारी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि दोनों ही गाड़ी के हमने ली है डिस्क CBS वाली मॉडल, और ये दोनों BS4 गाड़ी आप परचेस कर पाएंगे रूल के हिसाब से 15 से लेकर 24 अप्रैल तक के बीच में। 10 दिन का आपको समय यहाँ पर दिया जा रहा है, और मैंने यहाँ पर लिया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एरिया की कीमत। तो ये बात करते हैं बजाज पल्सर BS4 125 की आपको पड़ती है शोरूम कीमत 65,210 रुपये। ऑन रोड कीमत आपको पड़ेगी 79,217 रुपये से लेकर 81,000 रुपये तक के बीच, इसी के बीच आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं आपको पड़ेगी होंडा CB10 SP की एक शोरूम कीमत 70,126 रुपये। ऑन रोड कीमत आपको पड़ जाएगी CB10 SP के 84,000 रुपये से लेकर 87,000 रुपये तक के बीच, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे लोन कीमत के बारे में, अगर आप लेने की सोच रहे हैं पल्सर 125 को लोन पर करते, अगर आप 23,000 रुपये तक के डाउन पेमेंट, और अगर आपके शहर में रहेगी ऑन रोड कीमत 79,000 रुपए, इसके हिसाब से आपकी लोन अमाउंट यहाँ पर निकल कर आएगी 55,452 रुपए तक की। अगर आप कहते हैं 26 महीने के अंदर आपको गाड़ी की EMI पेमेंट कर देनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रहेगी फाइनेंस कंपनी के 12%। हेलो दोस्तों, अगर आप कार और बाइक के बारे में सही न्यूज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। तो आपकी हर महीने की EMI निकल कर आएगी 2,433 रुपए। तो ये है पल्सर 125 की EMI। वहीं अगर हम बात करेंगे CB10 SP के बारे में, तो आपको बता दें ये गाड़ी आपको मिल सकती है BS4 के स्टॉक में बची है। गाड़ी काफ़ी शानदार है, जैसा कि आप देख रहे हैं लुक वाइज परफॉर्मेंस वाइज। अगर आप इस गाड़ी के लिए करते हैं 25,000 रुपये तक के डाउन पेमेंट, और अगर ऑन रोड कीमत रहेगी 84,000 रुपये के आसपास, तो आपकी लोन अमाउंट यहाँ पर निकल कर आएगी 59,303 रुपये। इसके लिए मैंने यहाँ पर सिम रखा है 26 महीने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। इस गाड़ी की आपके हर महीने की EMI निकल कर आएगी 2,602 रुपये। तो दोस्तों, ये थी दोनों ही BS4 गाड़ी 125 cc इंजन में। लुक और परफॉर्मेंस तो आप जानते, लुक जैसा कि आप देख रहे हैं कैसी देखने में लग रही, कमेंट करिएगा, और परफॉर्मेंस के बारे में दोनों ही गाड़ी बहुत ही शानदार है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है EMI में आपको कितना अंतर देखने को मिलेगा, ऑन रोड कीमत में आपको कितना अंतर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विथ अस।